कुमार साहब, जितने भी दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे कलीग्स, उन सब का शुक्रगुजार हूँ। ये जो इलेक्शन अपना लाड़काना के अंदर हुआ वो आप लोगों के सामने है। लाड़काना का इलेक्शन खाली ये अपना एक उम्मीदवार का इलेक्शन नहीं था। सिंध हुकूमत ने पूरा जोर दिया, हर इदारे, उनके हर जो डिपार्टमेंट था उनको पाबंद किया गया। वहाँ पे लोग आके वजीर, मशीर, MNA, MPA, सरदार, पीर, अमीर सारे आकर लाड़काना में बैठे खाली अपना एक सीट जीतने के लिए। बिलावल जरदारी साहब खुद आकर 14 दिन लाड़काना में बैठे, अपना आसफा जरदारी साहिबा 14 दिन उनको लाड़काना की एक एक गली में लेकर गए। तो मैं समझता हूँ कि अब उनको एहसास होना चाहिए कि लाड़काना के लोग क्यों खाइफ हैं। यहाँ पर बात हुई कि अपना पीपल्स पार्टी का 12 साल जो अपना इक्तदार है उसमें जो लोगों के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, लेकिन मैं उनका अब सबका मैं समझता हूँ कि जिम्मेदार बिलावल जरदारी खुद है, क्योंकि 14 महीने से वो इस हल्के से MNA है। इस हल्के से MNA बनने के बाद क्या लाड़काना के अस्पताल की कोई सूरत हाल बेहतर हुई है? लोगों को वहाँ दवा मिलना शुरू हुई है? लाड़काना के कोई में बेहतरी हुई है? बच्चों को अभी आज तक भी बच्चे जो है वो फर्श पे बैठकर लाड़काना में तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल लाड़काना में पीने का पानी जो ख़राब हुआ है, 70% सैंपल्स जो हैं अपना पानी के वो ख़राब हैं। लोग अंदर मुब्तला होते जा रहे हैं, हेपेटाइटिस की बीमारी, इस वक्त इतनी तादाद में लोग उसके इन्फेक्शन हो गए हैं, इन्फेक्टेड हो गए हैं, HIV/AIDS के मरीज। तो मैं समझता हूँ अब जिम्मेदारी और किसी की नहीं है, जिम्मेदारी बिलावल जरदारी की खुद की है। आज का जो ये इजलास था, मैं समझता हूँ कि एक अपना MPA के ओथ लेने में मैं आप देखें कि सिंध हुकूमत